हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड से और बेसन से एक चटपटा सा नाश्ता। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमने क्या सामान लिया है। ये हमारे आलू हैं 3, जिनको हमने कद्दूकस कर लिया है। 2 कप हमने बेसन लिया है। कुछ पीस हमने ब्रेड के लिए हैं। ये हमारे सूखे मसाले हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक है। अजवाइन हमारी आधा चम्मच है। लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच। 1/4 चम्मच हल्दी है। 1 पिंच खाने का सोडा है। आधा चम्मच हमारा चाट मसाला है। 2 प्याज लिए हमने, जिसको बारीक काट लिया है। और हरी मिर्च है ये, जो हमने बारीक काट ली है 2। 1 नींबू है। 1 चम्मच हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 चम्मच हमारा कॉर्नफ्लावर है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने ये बेसन लिया है, इसमें हम अपना सामान डालेंगे। ये प्याज और हरी मिर्च, ये हमारे सूखे मसाले, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये कॉर्नफ्लावर, सारे सामान को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा नींबू का रस है, ये भी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह का बेसन चाहिए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी तैयारी करेंगे। हम अपने ब्रेड के स्लाइस तैयार करेंगे। हम इसके साइड से ये कॉर्नर निकाल देंगे। बीच से हम 2 पीस करेंगे इसके। ये देखिए हमें इस तरह के पीस चाहिए। इसी तरह से हम सारे पीस निकालेंगे। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए, ये हमने सारे ब्रेड के स्लाइस इस तरह से काट लिए हैं। हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे अपने, जो हमारे कद्दूकस किए हुए हैं। हमने आलू पानी से निकाल के रख दिए थे, निचोड़ के, जिससे कि इनका पानी सारा निकल जाए। ये आलू हम अपने इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो हम और डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे इसमें। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको। आलू हम जब इसको बनाना शुरू करेंगे तभी डालेंगे। पहले से डाल देंगे तो हमारा बैटर बहुत ढीला हो जाएगा। ये हमें इसी तरह का चाहिए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये हमें इसी तरह का चाहिए।
ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको ब्रेड को डिप करके ब्रेड को इस तरह से डिप करके इसमें छोड़ देंगे। गैस को हमें कम ही रखना है। ये देखिए इस तरह से सारे पीस अपने फ्राई कर लेंगे। गैस को स्लो रखा है जिससे कि जो हमारे ग्रेटेड आलू है वो अच्छे से सिक जाए। देखिए एक साइड से ये सिक चुके हैं, हम इनको पलट देंगे इसी तरह से। हमारे मिनी ब्रेड पकौड़ा तो बहुत अच्छे से सिक रहे हैं। देखिए देखिए हमारे बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। बाकी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए हम सारे पीस अपने इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए ये भी हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। देखिए हमारे मिनी ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो चुके हैं। आप हमारी वीडियो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल सके।